हे गाइस, वेलकम टू इंडिया डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष। और क्या ऑनलाइन मेडिसिन परचेस करना सेफ है? अगर सेफ है तो किन वेबसाइट्स में सेफ है, किन वेबसाइट में नहीं है? तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पे तीन वेबसाइट से जो है दवाई परचेस की। सबसे पहला यहां पे फार्मेसी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद है यहां पे 1MG और उसके बाद है यहां पे नेटमेड्स। तो इन तीनों में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद किसका लगा, कौन सबसे अच्छी दवाई जो है देता है, किसका ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलता है, किसका कस्टमर सर्विस अच्छा है, किसका दवाई परचेस करने का जो ऐप है उसका इंटरफेस सबसे अच्छा है, तो सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। सो गाइस, आजकल जो है सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन हो गया है। और अगर आप लोग थोड़ा सा पैसे बचाना चाहते हैं मेडिसिंस के अंदर, क्योंकि मेडिसिंस के अंदर बहुत सारे ऐसे मेरे ख्याल से घर होंगे जिसमें मतलब मंथली ईयरली जो मेडिसिंस है वो परचेस करना पड़ता है। और ख़ास करके अगर आप किसी ऐसे शहर से जिस तरह से मैं हूँ, या फिर ऐसे गाँव से वगैरह से है जहाँ पर मेडिसिंस का प्राइस जो MRP लिखा हुआ है उतना ही लेता है, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को जो है ऑनलाइन मेडिसिंस परचेस करना ज़रूर चाहिए, इसमें आपका जो है बहुत सारा पैसा जो है बच सकता है। तो मैं यहाँ पे तीनों जगह से मेडिसिंस परचेस करा हूँ, और एक नहीं बल्कि तीन चार बार परचेस किया हूँ। तो इसीलिए आज मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि ओरिजिनल दवाई या फिर ओरिजिनल मेडिसिंस इन तीनों में से सबसे अच्छी किसका है, सो गाइज अगर मैं बात करूं कि ओरिजिनल मिलता है, तो जी हाँ, 100% ओरिजिनल मिलता है। मैं यहाँ पे बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन तीनों में, यानी कि फार्म इजी, 1MG और नेटमेड्स की ही यहाँ पे मैं बात करूँगा, क्योंकि इन तीनों का एक्सपीरियंस ही है मुझे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि बेस्ट पैकेजिंग इन तीनों में सबसे अच्छा किसका है, तो सबसे मुझे जो बेस्ट लगा वो लगा यहाँ पे फार्मेसी का, क्योंकि फार्मेसी का बॉक्स मुझे अच्छा लगा। खास करके इसका जो पैकेजिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैं नेटमेड्स को यहाँ पे मैं फार्मेसी को एक नंबर पे रखना चाहूँगा पैकेजिंग के मुकाबले। नेक्स्ट मूव करते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डिस्काउंट्स या फिर सबसे ज़्यादा ऑफर्स वगैरह कौन देता है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा ऑफर्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे नेटमेड्स की तरफ से। नेटमेड्स बहुत ही अच्छा ऑफर्स वगैरह देता है, लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ ऑफर्स यहाँ पे सुपर कैश का भी रहता है। सुपर कैश यानी कि आप एक ही टाइम पे अगर आप लोग मान लीजिए 10% का सुपर कैश मिलता है आप लोगों को, तो वो जो 10% है नेक्स्ट टाइम आप जब भी परचेस करेंगे, तो जो इतना टोटल कॉस्ट है आपका मेडिसिंस का, उसका सिर्फ आप 30% से ही सुपर कैश में यूज़ कर पाएंगे, जिस तरह से मूवी क्विक का है बिल्कुल उसी तरह का। तो ये एक छोटा सा कैच भी है। तो अगर आप लोग मेडिसिंस परचेस करते हैं नेट मेड से, तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या वहाँ पे सुपर कैश मिलता है या फिर नेट मेड्स कैश। और अगर मैं नेट मेड कैश की बात करूँ, तो नेट मेड का जो कैश है वो आप एक ही टाइम पे 100% यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, सुपर कैश आप ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि सबसे क्विक डिलीवर कौन करता है इन तीनों में से। तो मुझे जो सबसे क्विक डिलीवर लगा वो लगा यहाँ पे 1MG की तरफ से। और 1MG का जो सर्विस है वो मुझे अच्छा लगा डिलीवरी के मामले में, क्योंकि ये लोग बहुत ही जल्दी डिलीवर भी करते हैं। और अगर आप लोग कोई कॉल करते हैं या फिर कोई बता देते हैं कि मुझे ये दवाई जो है ज़्यादा जल्द चाहिए, तो वो लोग जो है जल्द कोशिश करते हैं आप तक डिलीवर होने का। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप इन तीनों जगहों से कहीं से भी ऑनलाइन मेडिसिंस वगैरह परचेस करते हैं, तो आप लोगों को जो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है वो आप लोगों को देना होगा प्रॉपर तरीके से। वहाँ पे ऑप्शंस है अपलोड करने का, वो चीज़ आप लोगों को अपलोड करना होगा तभी आपको दवाई मिलेगा। क्योंकि विदाउट आप लोगों को प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन आप लोगों को नहीं दवाई मिलेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैंने नोटिस किया, अगर आपका डॉक्टर का मान लीजिए डेट वगैरह नहीं लिखा है डॉक्टर, या फिर डॉक्टर का हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं होता है कभी कभी, तो मेरे साथ ये चीज़ बहुत बार हुआ है। यानी कि जितनी बार मैं 1MG से परचेस किया उतना बार हुआ है। तो 1MG थोड़ा सा इस मामले में स्ट्रिक्ट है, अगर आपका मान लीजिए डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन साफ सुथरा नहीं है, तो 1MG से मैं यही कहूँगा कि आप दवाई वगैरह मत परचेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल जाता है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ नेटमेड्स की, तो अगर आपका मान लीजिए डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन एक तरफ से डॉक्टर का हैंडराइटिंग वगैरह अच्छा नहीं है, या फिर अगर आपका प्रेस्क्रिप्शन थोड़ा सा फट गया है या फिर कुछ हो गया है,
तो नेटमेड्स की एक और सर्विस है जहाँ पे आप लोग आप जो डॉक्टर है जो नेटमेड्स का ही कुछ डॉक्टर्स है सिलेक्टेड, वो आपको कॉल करेगा और आपसे पूछेगा कि आप ये दवाई किस टाइम पे लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ लेगा और वो खुद से एक जो है प्रिस्क्रिप्शन आप लोग को प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ मुझे नेटमेड्स का बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद बात करो कि इन तीनों में से जो कस्टमर सर्विस है वो किसका सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही जल्द कस्टमर केयर में कॉल लग जाता है आपका यहाँ पे फार्मेसी पे। तो फार्मेसी पे मैंने देखा है कि बहुत ही जल्द जो है कॉल्स लग जाता है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ 1MG का, तो 1MG में आप लोगों को कस्टमर सर्विस से बात करने के लिए बहुत देर तक लाइन में लगना पड़ता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि डिस्काउंट्स आप लोगों को कितना परसेंट तक मिल सकता है, तो मिनिमम जो डिस्काउंट्स है आप इन तीनों में से परचेस करते हैं अगर आप लोग, तो मिनिमम आप लोगों को 20% का डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ अगर आप लोग 1MG या फिर नेटमेड से परचेस करते हैं तो आप लोगों को 499 या फिर उससे ऊपर का परचेस करना होगा, तभी आपका जो डिलीवरी है वो फ्री होगा। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फार्मेसी का, तो फार्मेसी में सिर्फ 249 है, अगर आप लोग आपका जो वैल्यू है वो 249 या फिर उससे ऊपर का है तो आपका जो डिलीवरी है वो फ्री हो जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप लोग नेटमेड से परचेस करते हैं, COD में परचेस करते हैं, तो आप लोगों को 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होगा, जहाँ पे फार्मेसी और 1MG में किसी भी तरीके का आप लोगों को जो है 20% का नहीं देना पड़ता है, सॉरी 20% नहीं 20 रुपीज़ का चार्जेस नहीं देना पड़ता है अगर आप लोग COD करते हो या फिर पेमेंट करते हो डायरेक्टली। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे किसका लगा ओवरऑल, तो ओवरऑल मैं बात करूंगा यहाँ पे फार्मेसी का ही, क्योंकि इसके लिए आप लोगों को किसी भी तरीके का ना ही कूपन कोड्स की अप्लाई करने की ज़रूरत है, डायरेक्टली वहाँ पे 20% का डिस्काउंट हो जाता है। आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी कूपन्स वगैरह एंटर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ 1MG का या फिर नेटमेड्स का, तो जी हाँ यहाँ पे कूपन्स जो है आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। साथ ही साथ आप लोग एक और चीज़ देखेंगे नेटमेड्स में, मुझे एक और चीज़ प्रॉब्लम लगा कि मान लीजिए अगर वहाँ पे दिखता है कि ये कूपन अप्लाई करने पे आप लोगों को इतना परसेंट तक डिस्काउंट्स मिलता है, तो अगर आप लोग कूपन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा कि कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली, लेकिन अगर आप लोग वहाँ पे COD में पेमेंट करते हैं तो आपका जो भी डिस्काउंट्स वगैरह मिलना था आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ नेटमेड्स के साथ हुआ है मेरा एक्सपीरियंस। और उसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1MG का या फिर फार्मेसी का, तो अगर आप लोग COD में अप्लाई करते हैं, यानी कि पेमेंट COD में सिलेक्ट करते हैं कूपन अप्लाई करने के बाद, तो वहाँ पे एरर आ जाता है कि अगर आप लोग COD पे चूज़ करते हैं तो आप लोगों को जो है वो डिस्काउंट्स नहीं मिलेगा। सो गाइज ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल अगर आप लोगों को दवाई परचेस करना ही है, अगर आप लोगों को कूपन्स वगैरह की झंझट नहीं ही रहना है, यानी कि कूपन को अप्लाई करो फिर डिस्काउंट होगा, तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपके लिए फार्मेसी बेस्ट रहेगा। लेकिन हाँ, फार्मेसी पे सब दवाई नहीं मिलता है, और मैंने जहाँ पे देखा है कि सब दवाई की अगर मैं बात करूँ तो 1MG और नेटमेड्स में आप लोगों को मिलता है। तो फिर भी अगर आप चाहें तो ट्राई करके एटलीस्ट देख सकते हैं। और गाइज अगर आप लोगों ने यहाँ पे फार्मेसी नेटमेड्स या फिर 1MG से दवाई परचेस नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा मेरे रेफरल का, अगर आप लोग वहाँ से परचेस करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ कैश अमाउंट्स भी मिल जाएगा। जैसे कि 1MG की अगर मैं बात करूँ तो 50 रुपीज़ का कैश आप लोगों को मिल जाएगा 1MG के अकाउंट्स में। और अगर आप लोग पहली बार शॉपिंग कर रहे हैं तो 1MG से ही कीजिए, क्योंकि 1MG में आप लोगों को पहली बार जो है 25% का जो है डिस्काउंट्स मिलेगा। साथ ही साथ इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि इसके अलावा आप अमेज़ॉन पे या फिर पेटीएम और भी बहुत सारे वॉलेट्स वगैरह है जहाँ पे आप लोगों को और भी ज़्यादा डिस्काउंट्स देखने को मिल सकता है। सो गाइस ऐसा करता हूँ, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में अभी भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई देने की। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मुझे मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं फॉलो किया है तो ज़रूर से जाके कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और छोटा मोटा अपडेट्स न्यूज़ में वहीं पे शेयर करता हूँ आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।